हेलो बच्चों, आरसीएल डिफेंस अकेडमी बानसूर के ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम नरेश तंवर है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप सभी को पता है फिजिक्स के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है अपने पास में वो यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक तथा विमाप, मात्रक तथा विमा है जिसके अंदर कई प्रकार की भौतिक राशियां, फिजिक्स के अंदर जितनी भी भौतिक राशियां आती हैं उनके मात्रक तथा विमा के बारे में बताया जाता है। लेकिन ये चैप्टर हम शुरू न करते हुए सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं 1D, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी मात्रक और विमा आते हैं वो हम पूरी फिजिक्स के अंदर जैसे जैसे टॉपिक कवर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे मात्रक और विमा साथ साथ चलते चले जाएंगे। इस प्रकार से हम सेकंड टॉपिक उठाते हैं जिसको बोला जाता है सरल रेखीय गति स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको 1D के नाम से भी जाना जाता है और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपने पास में वो है दूरी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस दूरी तथा विमा डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहली बात तो आती है अपने पास में कि दूरी क्या होती है, कब हम ये कह सकते हैं कि दूरी की डेफिनेशन क्या है या किसे दूरी कहा जा सकता है। तो जब भी कोई वस्तु गति के अंदर होती है तो दो बिंदुओं के बीच में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। जैसे किसी भी पिंड के द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई, किसी भी पिंड के द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। जो भी पाथ लेंथ उसने कवर किया है एक यूनिट टाइम के अंदर उसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। और बात आती है अपने पास में विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। टोटल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन। जैसे विस्थापन का मतलब हम समझते हैं, तो विस्थापन का मतलब होता है उसके स्थान में परिवर्तन। यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन है तो ही उसका क्या होगा, विस्थापन होगा, अदरवाइज विस्थापन उसका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सेकंड पॉइंट, दूरी कौन सी राशि होती है, तो दूरी क्या होती है, किसी भी पिंड के द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई। अब वो पिंड कहीं से किसी भी दिशा के अंदर ट्रेवल कर सकता है, किसी भी दिशा के अंदर चल सकता है, इसलिए दूरी क्या होती है अपने पास में, दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि होती है। जबकि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की एक निश्चित दूरी होती है। और वो निश्चित दूरी कब होगी, वो निश्चित दूरी हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, एक दिशा के अंदर ही होगी, अलग अलग दिशाओं के अंदर हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है अपने पास में सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी,
वेक्टर क्वांटिटी, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट आता है अपने पास में कि दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, मीटर क्या होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, जबकि विस्थापन, विस्थापन का एसआई मात्रक भी मीटर होता है, क्योंकि विस्थापन भी एक चली गई दूरी है, लेकिन दूरी जो होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि विस्थापन की एक दिशा होती है, इसलिए इसका भी मात्रक मीटर होता है और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर ही रहता है। फोर्थ पॉइंट आता है अपने पास में, विमा क्या होती है दूरी की, तो किसी भी वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है उसको हम क्या लिखते हैं, मात्रक क्या लिखते हैं उसका, मीटर, और मीटर के अकॉर्डिंग विमा क्या लिखेंगे इसकी, तो विमा बन जाएगी इसकी m0 l1 t0। ये आप सभी को पता है विमा कैसे लिखी जाती है, कोई भी भौतिक राशि जब हम लिखते हैं तो उसकी विमा कैसे लिखी जाती है, तो ये हमारे पास में इसकी विमा बनती है। विस्थापन की विमा क्या हो जाएगी, तो विस्थापन की विमा हमें पता है ये भी मीटर है, ये भी मीटर होता है, तो इसकी भी विमा क्या रहेगी, इसकी भी विमा रहेगी अपने पास में यही, क्योंकि डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए कोई विमा नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ इतना फर्क है कि इसके अंदर दिशा है, इसके अंदर दिशा नहीं है, तो इसकी भी विमा वही होती है, इसकी भी विमा वही होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास में, किसी भी पिंड के द्वारा चली गई जो दूरी है, जब भी कोई पिंड चलता है और उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती, वो आगे एग्जांपल करेंगे तब बताएंगे क्लियरली कैसे होगा वो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूरी कभी भी, दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती, ऐसे ही विस्थापन क्या हो सकता है, विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पिंड के द्वारा चली गई जो दूरी है वो या तो विस्थापन के क्या रहेगी, बराबर रहेगी, या फिर क्या रहेगी, विस्थापन से बड़ी रहेगी, दूरी उस विस्थापन से कभी भी छोटी नहीं हो सकती। ऐसे ही जो विस्थापन है वो दूरी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, या तो वो उसके बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं इसके, दूरी और विस्थापन के। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट ये बनता है इसमें कि जो दूरी है, दूरी कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक अदिश राशि है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी या फिर ऋणात्मक नहीं होगी, अदिश होने के कारण ऋणात्मक नहीं होगी और न ही शून्य होगी। जब भी कोई वस्तु चलती है तो उसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो कभी भी शून्य नहीं होगी, अगर वो चलती है तब। ऐसे ही विस्थापन शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कोई पिंड है, वो एक बिंदु ए से बी पे पहुंचता है, एक गिवन टाइम के अंदर एक बिंदु ए से बी पे जाता है वो, और बी से वापस ए पर पहुंच जाता है वो, तो इसका विस्थापन अगर हमें ज्ञात करना हो तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, उसके स्थान में परिवर्तन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो पिंड था वो ए से चला और बी पे पहुंचा, अब बी पे पहुंचने के बाद उसने क्या किया, वो वापस आ गया ए पे,
तो उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ए पर थी, और अंतिम स्थिति भी क्या है उसकी, ए पर ही है। तो इस तरह से क्या होगा, उसका विस्थापन शून्य होगा। लेकिन इसी के अंदर दूरी पूछ ली जाए तो दूरी इसके अंदर शून्य नहीं हो सकती। क्यों? जैसे मान लो ए और बी के बीच की दूरी मान लो 1 मीटर है, तो 1 मीटर की दूरी वो चला है ए से बी पे और बी से वापस आया है ए पर, तो इस तरह से उसकी दूरी क्या बन गई, उसकी दूरी तो बन गई अपने पास में 2 मीटर, जबकि उसका विस्थापन क्या बन गया, उसका विस्थापन रह गया शून्य। इसी प्रकार अगर हम ऋणात्मक विस्थापन की बात करें तो हमें पता है हम जब चलना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मूल बिंदु लेके चलते हैं। अब उस मूल बिंदु से मान लो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ऐसे ही इसको हम क्या लिखेंगे, -1, -2, -3, 3 मीटर। तो इस तरह से मान लो कोई वस्तु है, कोई पिंड है, वो ऐसे राइट डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू करता है और वो पहुंचता है 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। अब वो यहाँ पे आने के बाद में मान लो वो वापिस से चलना शुरू कर दे, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू कर दे, और उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो यहाँ पे है -1 मीटर के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे चली गई जो दूरी है, दूरी तो क्या हो जाएगी, हमें पता है वो यहाँ से चलना शुरू करता है, अब यहाँ से चल के वो यहाँ पे गया तो कितनी दूरी चली उसने, 2 मीटर। यहाँ से फिर वापिस यहाँ तक आया तो कितनी होगी, 2 और 2, 4। और यहाँ से फिर 1 मीटर इधर भी चला है तो उसके द्वारा चली गई जो कुल दूरी है वो तो होगी उसकी कितनी, 5 मीटर। जबकि इसी का विस्थापन अगर हम देखें, विस्थापन की बात की जाए, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, इसका विस्थापन हमें पता है वो यहाँ से चल के यहाँ पे गया और यहाँ से फिर वापिस आया, तो यहाँ तक तो उसका विस्थापन क्या है, 0 है, लेकिन वो क्या चल रहा है अपने लेफ्ट साइड के अंदर भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे हम विस्थापन को क्या लिख सकते हैं, -1 मीटर। तो इस तरह से ये क्या हो सकता है, विस्थापन भी ऋणात्मक हो सकता है। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं अब इसके, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई व्यक्ति है और वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर, सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट होता है, जिसकी जो त्रिज्या है, सपोज दैट वो हमारे पास में गिवन दे रखी है 2 मीटर। अब वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, अब ये कह दिया जाए कि वो जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है, एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी और उसका विस्थापन कितना होगा, तो हम कैसे बता सकते हैं, हमें पता है दूरी तो क्या होती है, दूरी तो उसके द्वारा चले गए पथ की लंबाई होती है, तो उसके द्वारा चले गए पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे उसको, दूरी। अब दूरी कितनी होती है, ये हमें पता है सर्कुलर पाथ है, वर्तीय पथ है, तो वर्तीय पथ के अंदर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2π r। अब हमें पता है r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है अपने पास में कितनी, 2 मीटर, तो यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4π मीटर। ये तो क्या है उसकी, दूरी है। जबकि विस्थापन क्या रहेगा इस कंडीशन के अंदर, यदि वो एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में हमें पता है वो यहाँ से चलना शुरू किया और एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, बिंदु ए पर ही वापस पहुंच जाएगा। अब बिंदु ए पर वापस पहुंचेगा तो जहां से वो चला है वहीं पे वो क्या हो गया, वापस पहुंच गया। अब वहीं पे वापस पहुंच गया तो उसका विस्थापन कितना हो गया इस कंडीशन के अंदर, अब उसका विस्थापन कितना बन जाएगा, तो उसका विस्थापन बन गया शून्य, क्योंकि वो जहां से चला था वहीं पे वापस पहुंच गया। तो इस तरह से उसकी दूरी है अपने पास में 4π मीटर, जबकि उसका विस्थापन कितना हुआ, शून्य। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो ये बोल दिया जाए कि ये वर्ताकार पथ पर गति करता है, अब वो जब अर्धवर्त को पूर्ण कर लेता है, आधे वर्त के ऊपर चक्कर पूरा करता है, आधे वर्त पे चला जाता है, पॉइंट बी के ऊपर पहुंच जाता है, तब उसकी दूरी और विस्थापन कितना होगा। तो इस कंडीशन के अंदर दूरी और विस्थापन कितने बन जाएंगे, हमें पता है वो अर्धवर्त पूरा कर रहा है, अर्धवर्त चला है वो, तो अर्धवर्त चलने में यहां से जब चलेगा पूरा चलता है तब तो हम उस दूरी को लिखते हैं 2πr, लेकिन जब वो आधा चलेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे πr, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं 2πr/2, क्योंकि वो आधा चला है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, πr। अब हमें पता है r की वैल्यू अपने पास में कितनी दे रखी है, 2, तो r की वैल्यू 2 दे रखी है, ये कितना बन जाएगा, 2π मीटर। जबकि इसका विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन के अंदर मैंने बताया था विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है
जब कोई पिंड अपने प्रारंभिक बिंदु पर है और वो घूमते हुए फाइनल बिंदु B के ऊपर पहुंचता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो कम से कम दूरी है वही उसका क्या होगा, विस्थापन होगा। अब कम से कम दूरी मान लो, मैं ये कह दूं कि वो ऐसे जा रहा है, तो कम से कम दूरी ये तो कभी भी हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो ऐसे चल रहा है, ये कम से कम दूरी कभी भी नहीं होगी। कम से कम दूरी हमेशा कब होगी, कम से कम दूरी एक निश्चित दिशा के अंदर ही हो सकती है, और निश्चित दिशा के अंदर देखेंगे तो कम से कम दूरी ये क्या है अपने पास में, ये कम से कम दूरी बनेगी। अब हमें पता है इसका रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वो 2 मीटर है, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो इस तरह से इसका विस्थापन कितना बन गया, 4 मीटर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दूरी और विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। जैसे मान लो हमें ये दे दिया जाए कि एक व्यक्ति है जो बिंदु A से पूर्व दिशा की तरफ 2 मीटर चलता है, पूर्व दिशा की तरफ बिंदु A से B तक जाता है, जिन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है, और अब वो बिंदु B से उत्तर दिशा की तरफ मुड़ता है और वहां से कितना चलता है, वो 4 मीटर चलता है। अब 4 मीटर चलता है तो उत्तर दिशा के अंदर, अब इस कंडीशन के अंदर ये पूछ लिया जाए उसके द्वारा चली गई जो दूरी है और जो विस्थापन है वो ज्ञात करें, तो इसका दूरी और विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूरी तो हमें पता है, दूरी क्या होती है, उसके द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई, वो ए से बी पे जाता है और बी से फिर वापिस वो सी पे जाता है, तो ए से बी पे गया, बी से वो सी पे गया, तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी हो जाएगी, पथ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, तो ये हो गया और 4 मीटर ये हो गया, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो गई, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी हो गई अपने पास में 2 + 4 = 6 मीटर। लेकिन इसे के अंदर विस्थापन ज्ञात करना हो हमें, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन के लिए मैंने बताया था विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है वो और उसकी जो फाइनल स्थिति है वो, उन दोनों बिंदुओं के बीच की कम से कम जो दूरी होती है वो, तो ये कितनी बन जाएगी, ये कौन सी बनेगी, ए से लेके सी तक। अब ए से लेके सी तक हमारा क्या बनेगा, इसका विस्थापन बनेगा, और ए से लेके सी तक के बीच के विस्थापन निकालेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे हमें गिवन है AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इसका रूट, तो AB कितना दे रखा है हमें, AB हमें पता है 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस BC कितना दिया है हमें, BC दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट, तो ये कितना बन जाएगा, 4 और 16 20। ठीक, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, इसका विस्थापन निकल के आएगा। तो ये थे हमारे पास में दूरी और विस्थापन क्या क्या होते हैं, दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर क्या रहता है। अब हम कल जो टॉपिक पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक है चाल तथा वेग के अंदर अंतर क्या होता है, चाल क्या होता है, किसी भी वस्तु की चाल को कैसे डिफाइन किया जाता है, किसी भी वस्तु का वेग क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच में अंतर क्या रहता है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू।